अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? मैं हूँ करीम, करीम ट्रैवल एडवाइज़र से. एक तो मुझे थोड़ा सा इस बात पे आ रही है कि ये जो मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट लगाई थी कि थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा ख़त्म, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए इनबॉक्स में, और मेरे हमारे अपने कस्टमर जिन्होंने हमें केस दिए हुए थे लास्ट वीक, उनकी कॉल्स आ गई, मैसेज आ गए कि भाई क्या हुआ. तो वो थोड़ा सारे घबरा गए, तो मैं एकदम थोड़ा सा एक शॉक पे भी आ गया कि थाई से यानी थाईलैंड का इतना वो है, सबको क्रेज़ भी एक और जरिए बताओ वो, मतलब हम भी जाते हैं थाई. मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बात जनरल एक क्वेश्चन था कि थाईलैंड मतलब आप एक ओवरऑल जनरली हमारे एक पब्लिक को, पाकिस्तानी अगर आवाम को उठा के देखें, तो आपको जो टूरिस्ट हैं उनमें आपको जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं 90% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थाईलैंड सबसे पहले गए हैं या थाईलैंड उनका लगा हुआ है, मतलब एंट्री बेसिकली अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं जा रहे हैं. तो एक क्वेश्चन था कि थाईलैंड ही क्यों, मतलब सबसे मेरा सब भाइयों से कमेंट्स भी करिएगा, बात मेरी चल रही है, मैं आपको साथ साथ वजह भी बताऊँगा और इस पर डिस्कस भी करते हैं थोड़ा सा कि अगर थाईलैंड नहीं तो फिर क्या. अच्छा, थाईलैंड क्यों, मेरा एक क्वेश्चन जो है दोबारा मैं शो करता हूँ कि लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं. जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है अभी लोगों से एक साल में कम्युनिकेशन करके, कस्टमर से 3 साल से तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल जो तकरीबन हमें हो चुका है इस बिज़नेस फील्ड में, तो लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, पब्लिक से हमारी डीलिंग हुई है और पब्लिक से हम मिलते हैं या बात करते हैं. तो उन्होंने मतलब बताया यार हमारा ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, थाईलैंड का वीज़ा ईजी लग जाता है जी. अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस के लिए जाते हैं, बहुत कम मेरे ख्याल में ऐसे हैं. चाइना लोग ज़्यादा जा रहे हैं, अगर मतलब जो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली थाईलैंड छोड़ के चाइना जा रहे हैं, चाइना सस्ता है. ये सारे अगर बिजनेसमैन जो हजरात मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को मानेंगे कि थाईलैंड से सस्ता चाइना है. थाईलैंड की अपनी क्वालिटी है, डेफिनेटली मैं उसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन उसमें वो कम रेशो है, ज़्यादा लोग चाइना से बिज़नेस कर रहे हैं. अच्छा, फिर पीछे रह गया फिर क्या, अगर बिज़नेस के लिए नहीं जाना, टूरिस्ट, अच्छा चलें ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बनाना था, एक तो वजह तो वो है. दूसरी वजह ये कि लोग प्लेजर के लिए भी जाते हैं, मैं क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदा हूँ, मैं खुल के बात करूँगा, लोग प्लेजर के लिए भी थाईलैंड जाते हैं. अच्छा यार थाईलैंड जाएंगे, थोड़ा याशी उशी मारेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे. तो ये एक रीज़न हो सकता है. मोहम्मद नसीर शेर भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं ज़रा बात पूरी करूँ फिर इंशाल्लाह लाजिम कमेंट्स में आपको ज़रूर जवाब दूंगा. अच्छा अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मेरे यानी क्लियर हो गए, एटलीस्ट सबको पता चल गया. अच्छा, एक तो मैंने जाना है जी, स्टिकर वीज़ा लग जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा हमने अप्लाई बाद में बड़ी कंट्री का करना है तो हमारा एक स्टैंप लग जाएगी, स्टिकर लग जाएगा कि हम इसी कंट्री गए हैं. चले जी, और फिर थाईलैंड क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में आता है, बैंकॉक से काफ़ी फ्लाइट्स जाती हैं, एक ये भी वजह है कि लोग वहाँ से जाते हैं कि चले मलेशिया चले गए, आगे पीछे कंट्रीज़ में चले गए, सिंगापुर चले गए और इंडोनेशिया चले गए, तो वो एक हब भी बन जाता है. इसमें मेरा कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है. अच्छा चलें, ये तो रीज़न समझ आ गया, लेकिन अभी जिस तरह कुछ लोग जो अभी तक मुझे 1 साल में वास्ता पड़ा है, मैंने जो एजेंट्स हज़रात मेरी बात सुन रहे होंगे या जो कस्टमर्स हैं या जो खुद ये काम करते हैं, वो मेरी बात से ज़रूर इतफाक करेंगे कि थाईलैंड के वीज़े के लिए जो एजेंट्स के पास जो खुद अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे ऐसे भाइयों के पास आ रहे हैं या जो किसी के थ्रू काम करवा रहे हैं, मेजॉरिटी उसमें से 90% आप इतफाक करेंगे कि वो लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते, यानी वो बैंक स्टेटमेंट से लोग, क्योंकि थाईलैंड के लिए 2-3 लाख की चाहिए होती है, तो वो तो कोई इतनी बड़ी वो तीर मारने वाला बात नहीं है. लेकिन अगर स्टूडेंट हैं या कोई और ऐसे हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं लेकिन वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उन जिनके पास कभी बैंक अकाउंट का ही सिस्टम ही नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट तो थाईलैंड के लिए मस्ट है, एक तो ये चीज़. तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप क्या करें, राइट? और अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो फिर आप क्या करें. अच्छा, ये एक तो ये चीज़ होगी. अच्छा, दूसरा थाईलैंड के लिए जो दूसरी चीज़ है, आपको पता है कि अब ज़रूरी हो गया है NTN और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी चाहिए. आपको पता होगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का लेटर हेड देना होगा, उस पर सैलरी आपकी मेंशन हो, सारी लीव मेंशन हो, सारा कुछ मेंशन हो, और उसके बाद कंपनी के सिग्नेचर स्टैंप हो, और उसके बाद जाके आपके कंपनी के NTN साथ आप लेके जाएंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लेके जाएंगे, तो जाके आपके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे. ये तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, 3 चीज़ें होंगी, बैंक स्टेटमेंट, NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका लेटर हेड, ये 4 चीज़ें हो गई. अच्छा, फिर उसके बाद जाके अब जो साकिब मोहम्मद, लव यू टू ब्रदर. अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि उसके बाद जाके अब आपको पता होगा कि कन्फर्म टिकट, मैं बुकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कहा जो हजरात काम करवा रहे हैं थाईलैंड का, जब थाईलैंड में डील करते हैं, अगर खुद भी दोस्त जाके अप्लाई कर रहे हैं हमारे, तो उनको भी पता होगा कि मैं बात गलत नहीं कर रहा. थाईलैंड के लिए आपको कन्फर्म टिकट चाहिए होता है, बाकी कंट्रीज़ के लिए तो आपका बुकिंग भी चल जाती है, लेकिन इसके लिए कन्फर्म टिकट चाहिए होता है. तो कन्फर्म टिकट मांगते हैं, उसके लिए भी आप पैसे लगाएंगे. अच्छा, ये 5-6 चीज़ें चाहिए, फिर जाके आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं.
अच्छा, जिनके पास ये पांच छह चीज़ें नहीं है वो तो पैसे लगा के बनवाते हैं। अब आपको पता है मार्केट में, मैं ऑनेस्टली खुल के बात करूँ, मार्केट में लोग 40-40 हज़ार भी लेते हैं आपके स्टेटमेंट, या आप कहते हैं पासपोर्ट ले लो, 40,000 रुपये दें, 50,000 दें, 30,000 तो कम से कम अब देते ही हैं 40,000 के अपना बैंकॉक का वीज़ा लगवाने के लिए, थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा लगवाने के लिए, राइट। और एक हफ्ता दो हफ्ता टाइम लगाते हैं, कुछ तो एजेंट्स बेचारे पासपोर्ट लेके गायब हो जाते हैं, ऐसे भी वाकयात हैं। हमें कॉल्स अभी पिछले हफ्ते में बड़ा हैरान हुआ कि जब आपने पैसे भी ले लें फिर आप काम कर दें, फिर काम क्यों नहीं करना जब पैसे दे लिए। तो खैर एनीवेज, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन हमारे जो अच्छे भाई काम करने वाले जिनकी प्रॉपर कंसल्टेंसीज हैं, ऑफिसेज हैं, एजेंट्स हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अगर एक बंदे के पास ना हो और वो बाहर जाना चाहता हो फिर क्या करें, एक ये सवाल। और दूसरा सवाल कि जिन भाइयों को ये था कि अच्छा हम यार ये सारी चीज़ें दे के, ये अगर नहीं है तो 30-40 हज़ार लगाएं और फिर हम थाईलैंड का स्टिकर लगवा लें, तो उनके लिए खुशखबरी ये है, मुबारक हो आपको कि थाईलैंड स्टिकर वीज़ा इशू नहीं कर रहा। लास्ट मंथ से जितने भी वीज़े लगे हैं सिर्फ स्टाम्प लगा है, जैसे दुबई का स्टैम्प लगता है, इसी तरह स्टैम्प लगता है। एक महीने से ऐसा ही हो रहा है, अगले कब तक चले। कुछ मेरे भाई ने कहा कि जी वो कुछ अरसा उनकी प्रॉब्लम आई है, चले ठीक है, मैम मेरे से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, हो सकता प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आपकी तो नीयत ये थी कि मैं स्टिकर लगाऊंगा पासपोर्ट पे, तो एक वो बेसिकली पेज भरा भरा लगेगा, जरा वजनी हो जाएगा, लेकिन अब तो आपको स्टैंप लग गई, तो उससे अच्छा आप स्ट्राइक की जगह कहीं इतनी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी अगर आपने स्टैंप भी लगवानी है तो भाई आप प्रॉब्लम के बगैर दुबई चले जाएँ, उसकी कोई उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पासपोर्ट देना है और अपने पिक्चर देनी है, तो मतलब था ही क्यों। मतलब आप कोई खास अगर काम है तो डेफिनेटली आप ट्रबल उठाएं, बल्कि मैं तो ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग थाई में इतने इंटरेस्टेड हैं और जो एजेंट्स को पता है या जिन जो खुद ज़्यादा आते जाते हैं उनको पता होगा कि थाई का METV वीज़ा है। अगर आप बार बार आपका आना जाना है, जिस तरह मेरा खुद होता है आना जाना, मेरे पार्टनर का होता है, हम थाई बहुत ज़्यादा जाते हैं, वियतनाम भी हम आते जाते हैं, तो बेसिकली हमारे पास मेरे पास खुद METV वीज़ा है। वो 6 माह का मल्टीपल वीज़ा होता है, उसमें आप 6 माह वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, इन आउट हो सकते हैं आपको, मतलब झंझट के बगैर। तो अब साल में 2 बार आपको लेना पड़ता है बेसिकली METV वीज़ा, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, ज़रा डिफरेंट है, इससे हटके हैं, और वो अलग चैप्टर है वो, अगर किसी वो मैं अगर कोई टाइम मिला तो मजीद उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बार बार आते जाते हैं, तो METV वीज़ा ले लें, आप जान ही छुड़ाएं बार बार झंझट से। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि स्टिकर वीज़ा तो उसका ख़त्म हो गया, अब क्या करें, आप हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, झंझट भी नहीं पड़ना, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं बताऊं कि उसका अल्टरनेट है। थाई के साथ एक और कंट्री है वियतनाम, मैंने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हैं, काफ़ी सारे लोगों ने देखी होंगी, लाइक भी काफ़ी सारे लोगों ने किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। बेसिकली मैं वहाँ पे इंग्लिश टीचर भी हूँ, मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है वियतनाम, तो मेरे स्टूडेंट के साथ वो पिक्चर है। मुझे याद है कुछ 2-3 दिन पहले, मुझे याद नहीं रहा, एक बंदे ने कमेंट किया कि यार आप ये पिक्चर्स लगा के क्या बताना चाह रहे हैं, तो उनको असल में चलें इस टॉपिक में ये बात भी हो जाएगी, मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि हमारे जिस तरह भाई बाहर जाते हैं स्टडी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बड़े फ़ख्र से बात कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी कि मैं बाहर जाके पढ़ा भी रहा हूँ, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ जाके बाहर वियतनाम में, मेरी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, वहाँ पे उनके दरमियान पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ अमेरिकन ब्रिटिशर्स आते हैं पढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अपने मुल्क पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ पे फ़ख्र से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूँ कि यार हम सिर्फ नेगेटिव नहीं अच्छे काम भी करते हैं बाहर जाके, तो हमारी सिर्फ बदनाम है हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे काम में पाकिस्तान वहाँ जाता हूँ, सबको पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, और मतलब लोगों से मिलते हैं तो हमारी एक नेगेटिव इमेज बड़ा अच्छा होता जा रहा है कि नहीं यार, मतलब अगर हमसे को पूछता है हमसे मिलते हो कहते हैं अच्छा आप इतने पढ़े लिखे पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से हैं, तो बड़े हैरान होते हैं, खुश होते हैं। तो मतलब एक ये भी एक अच्छा इमेज है कि अगर मैं यानी अगर मैं या आप या कोई भी भाई जाके अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी प्रोपोगेट करना चाहिए, फैलाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको आप छुपा के रखें। अच्छा एनीवेज, तो बात ये चल रही थी कि थाईलैंड नहीं तो फिर कौन सी जगह, वियतनाम की मैं बात करना चाह रहा था। वियतनाम अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है और उसकी स्कैन कॉपी है, आप हमें भेज दें, हम आपका वियतनाम का वीज़ा लगवा देंगे। एक हफ्ता टाइम है बेसिकली, और एक हफ्ते में आपका वीज़ा लग जाएगा। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो ये डॉक्यूमेंट्स देके 30-40 हज़ार बनवा रहे हैं, NTN नहीं है, चैम्बर्स कंपनी झंझट है, अच्छा थाईलैंड ही जाना है जी, तो मेरा आपका पहला क्वेश्चन था थाईलैंड क्यों जाना है। अगर आप प्लेजर लिए जाना चाह रहे हैं तो वियतनाम आ जाए भाई, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं वियतनाम आ जाए भाई, अगर आप टूरिस्ट वीजे को अपनी बेसिकली हिस्ट्री बनाना चाहें तो वियतनाम आ जाए, वियतनाम स्टिकर तो लगा रहा है एटलीस्ट आप पे। और दूसरा, अच्छा जो लोग, अब मेरा एक और क्वेश्चन है, जो लोग थाई बेसिकली रहते हैं, जो प्रॉपर आते जाते हैं, वो मेरी बात समझेंगे। आपको पता होगा कि थाई एयरपोर्ट पे या थाई अंदर जाके आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये भी सबको पता है, और वियतनामीज बेसिकली दे आर वेरी वेलकमिंग, वो बहुत वेलकमिंग है। एक तो शायद इस वजह से कि वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज़्यादा नहीं है, थाई में इतने पाकिस्तानी इंडियन हैं कि मतलब वो अपना इतना अल्लाह माफ़ करे इतना अपना बता चुके हैं हम कैसे हैं कि आपको थाई जो है अच्छी नज़र से नहीं देखता। वियतनामीज अल्हम्दुलिल्लाह आपको अभी भी रिसीविंग है और वेलकमिंग है। अच्छा एक तो ये चीज़,
फिर एक क्वेश्चन है कि आप 1 रुपया जो है आपका अपना बेसिकली वो आप कितने थाई जब जाते हैं तो बेसिकली आपको पता है कि 3 बाट बेसिकली 3 बाट का 1 रुपया जो 1 रुपया है बेसिकली वो आपका सॉरी 3 रुपये जो है आपके 1 बाट बनता है. तो आपकी वैल्यू की भी पैसे की भी वो डीवैल्यू हो रही है राइट. तो ये भी एक चीज़ आपके काउंट करती है कि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए थाईलैंड के लिए. वियतनाम इस अब दूसरी कंपैरिजन ये कि वियतनाम सस्ता भी है, फ्रेंडली है, सस्ता है, वीज़ा ईजी है, ठीक है, 3 चीज़ होगी, प्लेजर चाहिए वो भी है, आपको घूमना फिरना है वो भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से थाईलैंड से तो बहुत बेहतर जगह है. थाई में तो सिर्फ बैंकॉक है और पताया वगैरह है, वहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है. अच्छा सेकंड, अच्छा एक और चीज़, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम है. आप थाईलैंड में जाते हैं आप टैक्सी जो लोग मीटर टैक्सी करते हैं वो मेरे भाई समझते होंगे कि वहाँ पर टैक्सी आप स्टैंडर्ड टैक्सी करें 35 बाट से 30 पे शुरू हो जाती है. वियतनाम में वो अगर आप वियतनामी भाट में मैं बताऊँ तो 6 से 7 भाट में शुरू होती है. आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं थाई जाने में मेरे भाई कि कितना डिफरेंस और कितना चीपर है. अच्छा दूसरा ये कि अब ए जो पॉइंट वाली बात, थाई का आपको वीज़ा मिलता है सिंगल 60 डेज का राइट. वियतनाम में ये ऑप्शन है आप 30 डेज का वीज़ा लें, 90 डेज का वीज़ा लें, सिंगल लें, मल्टीपल एंट्री लें, सिर्फ आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी ही देनी है. सेकेंड चीज़, अगर आप वहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये उन भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो बेसिकली थाई में चाहते हैं कि बिजनेस खोल लें, बिजनेस उनको भी पता है कि कितना एक्सपेंसिव हो गया है थाईलैंड में बिजनेस वीज़ा लेना, और सबको पता है मेरी बात का जो थाईलैंड जाते आते हैं, जो थाईलैंड कहते हैं मल्टीपल ले लें वीज़ा या कोई बिजनेस वीज़ा ले लें, तो थाईलैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू वियतनाम. वियतनाम अभी ग्रोइंग है और आने वाले वक्तों में वियतनाम का ही टाइम होगा. तो मैं उनके भाइयों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं वो जाएं वियतनाम, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, 2 साल का वीज़ा इजी मिल जाता है. अगर किसी को प्रॉब्लम है वीज़े की वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वियतनाम के बारे में मज़ीद बता सकते हैं, वीज़े कैसे लेने हैं, कैसे एक्सटेंड करवाने हैं. 3 महीने का मल्टीपल मिल जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी, आप 2 साल का ले सकते हैं बिजनेस वीज़ा. बाकी ये कि वीज़ों की डिटेल्स के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि थाईलैंड अगर आप वीज़ा सिर्फ हिस्ट्री बनाने के लिए जाना चाह रहे थे तो स्टिकर वीज़ा अब नहीं लग रहा, सिर्फ स्टैंप लग रहा है, आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. वाई नॉट वियतनाम देन? वियतनाम में भी वही कुछ है जो आप थाईलैंड देखने जाते हैं, मैंने आपको इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया. अगर आप प्लेजर के लिए जाना चाह रहे हैं वियतनाम में भी वही चीज़ है, अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं वियतनाम इज़ द नेक्स्ट अपकमिंग बिजनेस हब, और अगर आप बेसिकली टूरिस्ट अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो स्टिकर तो लग नहीं रहा, तो बेसिकली आप वियतनाम का मल्टीपल लेके उसके स्टिकर लगवा लें और वो आपके लिए बहुत बेहतर है राइट. बाकी अच्छा एक और चीज़, मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ काइंडली कमेंट करें. अगर मेरी वीडियो आप देख रहे होते हैं तो काइंडली उसी टॉपिक के लिहाज से कमेंट करें. एक और मैं चीज़ आज थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैंने अक्सर देखा है मैं क्योंकि वीडियोज़ बना तो रहा हूँ लेकिन मैं अक्सर वीडियोज़ लोगों की देखता भी हूँ, ब्लॉग्स भी पढ़ता हूँ, एम्बेसीज की साइट पर हमें जाना होता है, जारी बात है कि हमें फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं, कुछ और भी सर्च इंजन चलता रहता है. आप हमारे मैंने पाकिस्तानी इंडियन भाइयों में बांग्लादेशी भाइयों को देखा है कि वो किसी भी वेबसाइट पे होगा वहाँ पे लिख देंगे अच्छा यार ये शेंजन के वीज़े का बता दें, अच्छा यूके का वीज़े का बता दें, जॉब वीज़े का बता दें. मेरे भाई आप लोग ये प्लीज़ ख्याल किया करें, जो पोस्ट चल रही हो, जो वीडियो चल रही हो, जो टॉपिक चल रहा हो उसके हिसाब से कमेंट करें, आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा, लेकिन अगर इररिलेवेंट होगा उसका आंसर वहाँ नहीं दिया जाएगा. उसके क्वेश्चंस के लिए मजीद अलग टॉपिक से हट के क्वेश्चंस के लिए आप हमें इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप कर लें, हमारा नंबर है, हमारा फेसबुक पेज पर इनबॉक्स है, तो वहाँ पर आप रब्ता करें, कमेंट उसी का जवाब दिया जाएगा जिसकी बात टॉपिक पे चल रही हो. प्लीज़ ये मतलब देखे ना, इससे पता नहीं चलता कि आप किस तरह आप क्वेश्चन कर रहे हैं. मैंने इसलिए बताया को बुरा शायद लगे मेरी बात, लेकिन मैंने नोट किया हमारे सारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई और बांग्लादेशी भाई, मैंने अक्सर देखा है एम्बेसी की साइट पर नीचे लिखा होगा जी जॉब वीज़ा है, अच्छा जी वर्क परमिट है, अच्छा जी फलाना वीज़ा है, वो भाई ये टॉपिक क्या चल रहा है, आप उस टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन करें, टॉपिक के हिसाब से जवाब ले लें. तो इसलिए आपको अक्सर आपने देखा होगा कोई जवाब नहीं देता, उसकी वजह यही है कि आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं कर रहे होते. तो काइंडली अपने इन चीज़ों को भी थोड़ा चेंज करें, इंशाल्लाह दुनिया चेंज हो रही है, ग्रो अप, बड़े हो जाएं, पढ़े लिखे की तरह बिहेव करें राइट. बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मजीद टिप्स के साथ बाकी चीज़ों के साथ मैं आता रहूँगा. कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी. करीम की तरफ से दोबारा अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल.